शेवी मसाज में आपको बेहद आसान तरीके से मलाई से मक्खन बनाना सिखाऊंगा। वैसे तो लोग दही से मक्खन बनाते हैं दही जमाकर, इसके लिए मलाई चाहिए होगा। अगर मदानी नहीं है और मशीन भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, एक मीडियम साइज चम्मच से भी मक्खन इजीली बन जाता है। बस चम्मच चलाते चलाते ही व्यूअर्स मक्खन रेडी हो जाता है। लेट्स सी। हाँ जी साहब, घर का मक्खन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं होता। मक्खन का खाना आंतों और मेदे की खुश्की दूर कर देता है। इसमें विटामिन ई और विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है, आंखों की रोशनी को तेज़ कर देता है, जिल्द को चमकदार बनाता है व्यूअर्स, और कैंसर के ख़िलाफ़ मुदाफियत पैदा करता है और जोड़ों के दर्द को ठीक कर देता है। लेडीज़ के लिए मक्खन बहुत ही फ़ायदेमंद है जी, स्पेशली हार्मोन्स को सेट रखता है। जी साहब, मक्खन को ज़्यादा कोशिश होना चाहिए कि आप इसे घर में ही रेडी करें क्योंकि घर का मक्खन होता है प्योर होता है। व्यूअर्स, स्कूल गोइंग बच्चों को और बढ़ते हुए बच्चों को सुबह नाश्ते में मक्खन जरूर देना चाहिए, अंडा और मक्खन, क्योंकि इससे इनकी हड्डियाँ मजबूत होता है और इनको एक्स्ट्रा एनर्जी का ज़रूरत होता है जो मक्खन से और अंडे से पूरा होता है। तो मक्खन बच्चों को देना चाहिए, हाफ़ज़ा को तेज़ करता है, दिमाग को ताकतवर करता है। चीनी में देखा आपने कितना अच्छा चम्मच से मक्खन रेडी हो गया बग़ैर किसी टेंशन के। तो इसी तरह से आप भी रेडी कीजिएगा और 3-4 पानियों में धोने के बाद इसे किसी बर्तन में सेव कर लीजिएगा। मज़ेदार डिलीशियस मक्खन रेडी है जी। हाँ।